मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ वर्ड लेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें है ना दो ऐसे वर्ड लेने हैं, ठीक है, जिसमें एक भी कॉमन लेटर शेयर नहीं होता हो, ठीक है ना, और उनका क्या करना है, उनकी लेंथ का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और ऐसे दो वर्ड लेने हैं जैसे तुम इस चीज़ को मैक्सिमाइज कर सको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा, बेसिकली ये वर्ड्स ऐरे है, ठीक है ना, हम किसी भी आई पे जाएंगे, ठीक है, तो इसमें वर्ड की लेंथ हमको कितनी देर की, 1000 दे रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम एन स्क्वायर अप्रोच भी चलेंगे, ठीक है, तो हम आई पे हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, हम जे को 0 से लेकर आई माइनस 1 तक चलाएंगे, ठीक है, और दो पेयर्स को चेक करेंगे कि अगर उन दो वर्ड्स के बीच में, जैसे इसके और इसके बीच में कोई भी वर्ड अगर मैच कर गया तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर मैच नहीं करा तो हम क्या करेंगे, दोनों की लेंथ लेंगे और इनटू कर देंगे और उसको श्योर करा लेंगे कि वो एक हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, ये वर्ड्स ऐरे दे रखा है, ठीक है, करेंगे हर एक वर्ड में जाएंगे, ठीक है, और उसको एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, वेक्टर ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर भी कह सकते हो और इंट भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर को इंट में हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं ए माइनस ए करके, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक वेक्टर ले लिया, ठीक है, सेट ऑफ इंट का, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं कि वर्ड्स ऑफ आई में कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है, ये किस में स्टोर हो जाएगा, वी ऑफ आई में, वी ऑफ आई हमारे स्टोर करेगा कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर हैं उस वर्ड में, ठीक है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आई का लूप चलाएंगे, ठीक है, जैसे हम इस आई पे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जे का लूप चलाएंगे 0 से लेकर आई माइनस 1 तक, है ना, फिर हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे वी ऑफ आई में, ठीक है, वी ऑफ आई में जाएंगे, ठीक है, और वी ऑफ आई में जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, उसको वी ऑफ जे से कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर वी ऑफ आई का एक भी लेटर इसमें मिल गया, है ना, इस सेट में, तो हम उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देंगे, और नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसका जो साइज़ है, ठीक है, ठीक है, तो इसका जो लेंथ है वर्ड्स का, है ना, वर्ड्स ऑफ आई इंटू वर्ड्स ऑफ जे कर देंगे लेंथ, ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सा है, हमने क्या करा, एक वेक्टर ले लिया सेट का, ठीक है, उसमें हमने क्या करा, ये सेट बना लिया, ठीक है, फिर हम एक एक वर्ड पे गए और एक एक वर्ड को हमने क्या करा, उस सेट में डाल दिया ए माइनस करके, ठीक है, तो वो इंटीजर बन गया, तो जो जो इंटीजर हैं, मतलब जो जो कैरेक्टर है, वो हमने पुश करा लिए वी वेक्टर में, ठीक है, फिर हम वर्ड्स एरे में गए, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जिस आई पे हैं तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर आई माइनस 1 तक जे का लूप चलाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट ऑफ वी ऑफ आई, मतलब इसके हर एक एलिमेंट में जाएंगे, है ना, और उसको चेक करेंगे, है ना, कि वो वी ऑफ जे में मिल रहा है क्या, ये एक्स मतलब एलिमेंट ऑफ वी ऑफ आई, ठीक है, वो अगर वी ऑफ जे में मिल गया, है ना, मिल गया तो हम क्या करेंगे, वहाँ से ब्रेक कर देंगे लूप को, ठीक है, क्योंकि अब वो हम नहीं ले सकते, ठीक है, और नहीं मिला, अगर फ्लैग हमारा 0 ही रहा, तो हम क्या करेंगे, वर्ड्स ऑफ आई का साइज़ इंटू वर्ड्स ऑफ जे का साइज़, उसको हम स्टोर करा लेंगे आंसर में, ठीक है, और ऐसे हम मैक्स लेते जाएंगे आंसर का, और एंड में हम रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है, तो ये हो गया, सो दैट्स इट फॉर दिस अप्रोच।